अच्छा बैठे होगा। ये मोदी जी और योगी जी का बहुत ही मतलब अभूतपूर्व कार्य है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है, और इसके तहत जो है गोदुलिया से लेके मैदागिन तक पेंट कराया जा रहा है, और उसी के तहत हमारा धर्मशाला भी करीब एक हफ्तों से इसमें चार पांच आदमी लगे थे, और उसी के तहत हमारा धर्मशाला भी सुंदर हो गया, बहुत अच्छा मतलब पेंट हुआ। और हाँ सभी बिल्डिंग तक पेंट हो रही है, मैदागिन तक पेंट हो रहा है टोटल। नहीं नहीं, खुद सरकार करा रही है, और सरकार सबको ठेकेदार लोग को ठेका देकर करवा रही है। कई लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, कम से कम 150-200 आदमी 300 आदमी लगे हुए हैं गोदुलिया से लेकर यहाँ तक। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को, योगी जी को। गोदुलिया से शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट के मध्य में एक फसाद पेंटिंग कराई गई थी दोनों ओर, जिसका थीम यहाँ पे जो चुनार रेड स्टोन है उसी के से मिलता जुलता था, तथा घाटों के मध्य जो सिमिलरिटी थी उसको बनाने का प्रयास था। इसको कराने के उपरांत तक लोगों द्वारा काफ़ी सराहना मिली, जिसको देखते हुए अब हम लोग इसको गोदुलिया से मैदागिन तक एक्सटेंड कर रहे हैं, दोनों ओर एक जैसा कलर करा रहे हैं, जिससे न केवल खूबसूरती बढ़ रही बल्कि साफ सफाई भी उन चीज़ों पर होती जा रही, तो एक सुंदर दृश्य निकल के आ रहा है। उद्देश्य है कि काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छी चीज़ दिखे, और इस एरिया को बेहतर से बेहतर साफ सफाई हो। बिल्कुल सभी विभाग अपना अपना कार्य करा रहे हैं, साफ सफाई है, लाइटिंग है, और चीज़ों का चीज़ें जो की जा रही है, मार्गों का सुंदरीकरण है, सब चीज़ें हो रही है। एक अच्छा पूरा इस एरिया में एक जो कि काशी विश्वनाथ धाम के से रिलेटेड चीज श्रद्धालुओं के बढ़ने की संभावना उनको देखते हुए और भी बढ़िया चीज़ों को कराया जा रहा है। सारे काम करा लिए जाएंगे दोपहर के? ये बिल्कुल हम लोग लोकार्पण के दृष्टिगत इसको ध्यान में लेकर चले, और अभी समय से पूरे ही करा लेंगे इन कार्यों को। मोदी जी का फर्स्ट प्रयास ये है कि हमारा शहर पिंक शहर पर पेश हो जाए। अभी टाइम कम रहने के चलते मैदागिन से गोदुलिया तक लिया गया है, और फिर उधर यहाँ विश्वनाथ मंदिर से गोदुलिया तक है। अभी प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण के बाद फिर काम बढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा। बनारस में भैया 300 से 400 आदमी होंगे, 400 8-9 ठेकेदार विकास प्राधिकरण के लगातार 24 घंटा काम करा रहे हैं। और ये पूरी तरह से जब रंग रोगन हो जाएगा तो कैसा लगेगा? क्या बहुत खूबसूरत, कोई सपने में भी नहीं सोचा था। जिस धर्मशाला पे आप खड़े हैं, ये धर्मशाला बहुत ही जर्जर स्थिति में था, होने लायक स्थिति नहीं था। आज 7 दिन से मैं काम लगाया हूँ, 13 आदमी 14 आदमी लगा के, अंत में आगे का जर्जर स्थिति नहीं हो पाया तो हाइड्रा मशीन मैं मंगवा के उससे करवा रहा हूँ।